नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ न केवल दक्षिण भारत के वरन पूरे देश के लिए एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने 1924-25 के आसपास से लेकर 1973 तक देश की राजनीति में एक अहम भूमिका अदा की, पेरियार रामास्वामी नायकर। इन्होंने हिंदू धर्म के पाखंडवाद का घोर विरोध किया और इसीलिए ये पूरे दक्षिण भारत में तो एक पूजनीय व्यक्ति के रूप में, इन्होंने बहुत सी कुरीतियों के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। इनका जन्म वर्तमान तमिलनाडु के ईरोड में हुआ था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार इनका परिवार शूद्र था। इनके पिता व्यापार करते थे। पेरियार ने औपचारिक शिक्षा सिर्फ चौथी तक प्राप्त की थी। बाद में पिता के व्यापार में वे सहयोग करने लगे थे। पिता धार्मिक कार्य और दान दक्षिणा देने के लिए काफी प्रसिद्ध थे। परिवार की परंपराओं के विरुद्ध पेरियार साहब ने परिवार के सदस्यों को मंदिर जाने से रोकने का प्रयास किया। अछूत मित्रों को युवावस्था में घर बुलाने का काम किया, साथ ही साथ साथ भोजन करने का भी। पत्नी के गले से उन्होंने हंसुली को निकाल दिया। उनका ये मानना था कि औरत के गले में जो हंसुली है यह गुलामी का प्रतीक। पिता से धार्मिक मतभेद हो जाने के कारण इन्हें घर छोड़ना पड़ा, लेकिन कुछ दिनों बाद चूंकि स्वास्थ्य इनका बहुत ही खराब हो गया था, वो फिर अपने घर लौट गए। लेकिन वे अपने कार्यों में लगे रहे और धीरे धीरे लोगों में इनकी खूबियां प्रचारित होने लगी। उन्होंने 29 संगठनों के पदधारक का पद छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। गांधी जी के 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के लिए दक्षिण का भार इनको सौंपा गया था। इसी से महत्ता हम आप समझ सकते हैं कि इनकी महत्ता गांधी जी की नज़र में भी क्या थी। इन्होंने नशाबंदी आंदोलन के समय अपने खेतों में लगे 1000 से अधिक तार के पेड़ों को कटवा दिया था। अदालतों का बहिष्कार आंदोलन के समय अपने पास उपलब्ध लगभग 50,000 के प्रोनोट और दस्तावेज इन्होंने फाड़ दिया था। कांग्रेस पार्टी के अछूतों के अधिकार से संबंधित वाइकोम आंदोलन जो काफी प्रसिद्ध है, ये अभी के केरल में हुआ था, उसका नेतृत्व भी पेरियार साहब ने किया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनकी पत्नी तथा इनके अन्य साथियों ने इसका भार उठाया था। इनका मतभेद कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हुआ और इन्होंने 1925 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 1931 में उन्होंने विदेश की यात्रा की, जैसे रूस, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, और वहां जाकर इन्होंने बहुत सी चीज़ों का अध्ययन किया। 1926 में इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के कारण ये पूरे देश में चर्चित हो गए थे, आत्मसम्मान आंदोलन। विदेश यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने जस्टिस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, उसकी स्थापना में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। 1938 में इसका अध्यक्ष पद भी इन्होंने संभाला था। 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर इन्होंने द्रविड़ कजगम कर दिया था, जो आज भी चल रही है वो पार्टी, लेकिन उनके जो सहयोगी थे उस समय श्री अन्ना दुरे साहब और श्री करुणानिधि साहब, मतभेदों के कारण ये लोग अलग हो गए थे और उन लोगों ने द्रविड़ कजगम से निकलकर द्रविड़ मुनेत्र कजगम की स्थापना की थी,
जो आज भी महत्वपूर्ण पार्टी है तमिलनाडु की, और इस पार्टी के अभी करुणानिधि साहब के पुत्र एम के स्टालिन अभी मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। पेरियार साहब हमेशा सत्ता से दूर रहे और आजीवन इन्होंने कमजोर वर्ग के लिए और स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए काम किया। 1904 की एक घटना है इनके जीवन में, चूंकि ऐसी घटनाएं घटी थी जिसके कारण इन्हें इस तरह से जूझना पड़ा जिंदगी में। 1904 में ये काशी आए हुए थे, गंगा में उन्होंने जो शवों की स्थिति को देखा और वहां के भिखारियों की स्थिति को देखा तो वे काफी द्रवित हुए, काफी दुखी हुए। उसी समय जब ये घूम रहे थे तो उन्हें काफी भूख लग गई थी, वे मंदिर के निकट गए और मंदिर के निकट जो भोजन की व्यवस्था थी निःशुल्क, वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए थी, लेकिन ये उसमें घुस गए थे। परंतु कुछ लोगों ने अनुमान लगाकर यह किया कि यह ब्राह्मण नहीं है, इसीलिए कुछ पंडित लोगों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इसका पेरियार साहब के मन मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। फरवरी 1924, यह है केराला परयातनम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो वाईकॉम आंदोलन के रूप से में जाना जाता है। यहाँ पर जो त्रावणकोर रियासत थी उसमें जो मंदिर था, उस मंदिर में सभी तरह के जो रास्ते थे वे दलितों के लिए प्रतिबंधित थे, कि उस पर चल भी नहीं सकते। मंदिर में प्रवेश तो दूर की बात थी, लेकिन इन्होंने वहाँ पे मार्च किया और संघर्ष किया, और अंत में चूंकि यहाँ पर गांधी जी भी इसमें इंटरफेयर किए थे, जिसके कारण अंत में बहुत लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन इसके बाद उस समय के लिए बहुत बड़ी क्रांति थी कि मंदिर के रास्ते खोल दिए गए सभी के लिए। इनके कुछ जो महत्वपूर्ण विचार हैं वे हैं कि हिंदुओं का एक छोटा समूह बहुसंख्यक का शोषण कर रहा है। हम आप इशारा समझ सकते हैं कि कौन सा समूह है जो शोषक है और कौन सा समूह है जो शोषित। दूसरा इनका है कि पूंजीवाद का विरोध इसलिए वह करना चाहते रहे कि वो मजदूरों का शोषण करता है पूंजीवाद के द्वारा। वैज्ञानिक सोच के वो समर्थक थे और ये पूर्वजों के लिए जो दान प्रथा थी इनका इन्होंने खुलकर विरोध किया। सेल्फ रेस्पेक्ट थिंकिंग इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, जिस पर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने चलाया था। महिलाओं के लिए उन्होंने पुरुषों के बराबर अधिकार की वकालत की, और उन्होंने जातिवाद पर घनघोर चोट किया। वे ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, न कि ब्राह्मणों के। वास्तविकता यह है कि आज की जो तमिलनाडु की प्रसिद्ध पार्टियां हैं, डीएमके, एआईएडीएमके, एमडीएमके, पीएमके, इन सभी पार्टियों की जो आइडियोलॉजी है वो पेरियार रामास्वामी के आइडियोलॉजी पर ही आधारित है, और आज पेरियार रामास्वामी का प्रभाव दक्षिण भारत के सभी 5 राज्यों पर बखूबी आज भी चल रहा है और लोग उनका अत्यधिक सम्मान करते हैं। इनकी बहुत सी मूर्तियां विभिन्न स्थानों पर लगी हुई हैं, जिन्हें लोग श्रद्धा के साथ वहां पर श्रद्धावनत होते, और दक्षिण भारत में लोग उनके विचारों के आधार पर ही काफी जागृत हुए, और जो जातिवाद का वहां पर भयंकर प्रकोप था उसमें इन्होंने सुधारने का पूरा पूरा प्रयास किया, और आज जो द्रविड़ पूरे इलाके में जो जागृति है लोगों में, उसमें सबसे बड़ा योगदान पेरियार रामास्वामी नायकर साहब का है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय।